ओके वी शुड कंटिन्यू विद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पिछले क्लास में 3D सीरीज की एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस को देखा था, है ना। नाउ वी टॉक अबाउट द 4D सीरीज। 4D सीरीज, चलो 4D सीरीज में कौन-कौन आता है बताओ बच्चा। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, हाँ फिर टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, फाइबर, सिल्वर, फिर कोबाल्ट, कैडमियम। अच्छा एटॉमिक नंबर शाबाश, जैसे 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ठीक है। अब 4D सीरीज की बात करें तो इनका इनका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑफ क्रिप्टन, क्रिप्टन, एंड उसका एटॉमिक नंबर है 36। छस इसके बाद हम 4D इन्वॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद 5S इन्वॉल्व होगा कि नहीं। अब अगर हम फिलिंग की बात करें तो 4D सीरीज में शाबाश क्या क्या आ रहा है, 36 और ये तीन अब रह गए 39, तो तीन कैसे फिल करेंगे, शाबाश यहां पे दो, यहां पे एक, ठीक है। फिर क्या है, जिरकोनियम, शाबाश यहां पे दो और फिर यहां पे, ठीक है, ट्रेंड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। मगर बच्चा इसके बाद अगर आप देखो नियोबियम एंड मॉलिब्डेनम, दे आर शोइंग एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ओनली वन इन 5S एंड यहां पे कितने आएंगे, फिर यहां पे आएंगे तीन, अब यहां पे कितने आएंगे, चार। मॉलिब्डेनम यहां पर वन और यहां पे फाइव, मॉलिब्डेनम तो दिस इज द एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ 4D सीरीज, यहां पर एक बार, ठीक है। फिर अगर टेक्नीशियन की बात करें, रादर इट इज नॉट टीई, इट इज टीसी, सॉरी टेक्नीशियन की बात करें, एटॉमिक नंबर 43, यहां पर सही है वापस, यहां पे दो और कितने बच गए 43 के लिए, शाबाश 36, 38, पांच बच गए ना, तुम पांच रोज नहीं थे, अच्छा नहीं इशू। लेकिन रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर में अगेन वी हैव एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, यहां पर एक, यहां पे सात, फिर रोडियम यहां पे एक, यहां पे आठ, पैलेडियम में यहां पे शून्य, नहीं सॉरी, हाँ यहां पे शून्य और यहां पे कितने आएंगे, अब दस। एंड सिल्वर में शाबाश, यहां पे एक और यहां पे दस, ठीक है। एंड फिर कैडमियम में क्या आएगा, दो और दस। तेल छुट्टी उछान 4D सीरीज से करीब करीब सॉरी क्या नॉर्मल। अब एंट्रेंस में यही सवाल पूछते हैं, द कॉन्फ़िगरेशन फॉर रोडियम इज, सो तुझे याद हो जाए 3D सीरीज में दो ही एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, है ना। 4D सीरीज में किस तरह से आप ये रेप्लिकेट जल्दी कर सकते हो, टू टू फिर दो के बाद टू और फिर एंड पे टू, बाकी सारा एबनॉर्मल, ठीक है। बट वन रीजन फॉर एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर कि एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कहां कहां पर है। 3D में दो थी, 4D में कितनी आ गई, अब छह, ठीक है। चलिए इसके बाद 5D सीरीज, वास्पत आवगी मुझे रास्ते याद नहीं रहते, इतनी हालत खराब है मेरी कि मतलब बुझगमत बॉडशाने मतलब 2012 पर हर वरी मतलब हर संडे मुझके जन्म में बॉडशन कब हुई मैसेज पाई GPS में फेल, अल्लाह ताला मतलब आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर रास्ते, बच्चू बा जाइए
मे कोर नोटिस मे दिमाग आवर 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 मतलब पन्ने खे मे वह बह बाइक मतलब अच्छा पक गई यप पा यप मगर मे गह गलत तो फाइनली वा ठीक मगर बेस तक मे वह क्या मेसान तूत सब कॉन्शियस माइंड मुझे पता नहीं क्या चल रहा होता जब मैं बाइक पे होता या गाड़ी चला रहा होता मत रोज रात आना यो वो गई ना चाय वत की वो गोस मे चाहन यु पकान 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 मे आव बुध मे दस तवन वो क्या तवान मे दह पीछे नहीं मुड़ सकता लेट हो गया तो चलो पानी मे सी चलो अकिस बाइक वालस मिले जरूरत तम दुत वस इन द मिडल ऑफ दैट ड्रेनेज सिस्टम उसकी बाइक बैठ गई तम त्रटस गई तम कंपेयर टी वी स्टार विद रॉयल एनफील्ड पे पता क्या असु ना मे बहुत ना ब्रो सह तम कर मे फॉल वो कर मन से रुक पे यह प्रॉब्लम मे पे पानस वो मैं बात रोजान याद कह दपान ये मेरी ममा को भी प्रॉब्लम है उसको भी याद नहीं रहता जेनेटिक्स पता है कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा लेफ्ट जरा मर्करी को कश्मीरी में क्या कहते हैं अचन मथान अचन त बोल मथान कुछ पावर Hafnium, huh? Yeah, 71. Go up, let off. Yeah, you should not actually, man, that's not who much. Lanthanum is actually the representative of F-block element, lanthanoids. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, dysprosium, holmium, erbium, and terbium. You guys, lanthanoids. Pachi, actinides. Actinium, chati, proactinium, matlab uranium, neptunium. Einsteinium, Borium, Aristotelium. Aristotelium biology. It's his talent. It's extraordinary. It's who he. Bohr's model was given by Aristotle. How many other? This is 57 to 71. These 57 to 70 rather. They are lanthanoids. This is Manzas. उनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ नहीं मिलती उनको अलग कर दिया गया है पिरेटल में नीचे लिखे होते हैं तुम से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तुम पर हो से हम पाते हैं डी पर तो 71 फिर 72 फिर 73 बोलो ये दिया पूछ दियो मुझे इतनी डाउट है इतनी माइस का मान तो साथ दिया यहां पर आपको ही नहीं 75 फिर 76 77 78 फिर पता है ये को गलत ये 18 हाफ नियम का बट ऑश 72 बट स्टार्ट खाता यही मैं थोड़ा से बुझ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ठीक है ना
अब देख लो बच्चा, इनके पास जो नजदीक से नजदीक ये नहीं है नोबल गैस है, दैट इज ज़ेनन। क्या चीज़ बना है? खराब होगा सर। 5D फिर 6S है ना, याद था उन पे ही हो। एबनॉर्मल चीज याद था, नॉर्मल चीज याद था क्या? 4D में मैंने कहा एबनॉर्मल ही याद रखो, नॉर्मल बाकी तो तीन ही थे, ठीक है। यहां पर आप एबनॉर्मल याद रखो, कुमच नॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल कुमच, एबनॉर्मल चीज सिर्फ प्लेटिनम टू गोल्ड, बाकी सारी नॉर्मल, यानी कि सब में 6S में 2 होंगे, फिल करते जाओ, 1 दिया पर 2 2 फिर 3 2 फिर 4 2 फिर 5 2 6 2 7 2 ठीक है, लास्ट में आएगा 10 2 आएगा ना, लेकिन इनसे पहले जो दिए वाले दो हैं, द 8 और 9 वाले, यहां पर 8 और 9 है, यहां पर 1 और 1 है, ठीक है। शेयर नॉर्मल इधर तो आ गया 54 और यहां पर 10 आएगा और यहां पर 9 आएगा। क्या एच वाइब नॉर्मल? 21। कुछ इशू नहीं क्या? गोल्ड में देखो आप हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड और बट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेट हम सोच वैलिड, बाकी जांच नहीं वैलिड की। तो ओवरऑल हम देखते हैं 3D में 4D में 5D में एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस है। तो मानिए में एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस क्या इच्छा असली 3D से सिलेबस 4D 5D में दिखाया एबनॉर्मल कहां काम करे, लेकिन ये एबनॉर्मल है क्यों वो मसला। तो अब लिखिए द रीजन फॉर दिस एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, द रीजन फॉर द एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन depends on क्या the relative stabilities, depends on the relative stabilities of क्या क्या vacant comma partially filled comma completely filled orbitals। हम देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट सुना ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू अगर 10 वाले में हम एक ही इलेक्ट्रॉन पर डालेंगे, ठीक है। तो क्या अच्छा एक शख्स खुद सुखर्च बेई तथ एज कंपेयर टू अगर हम 2 भी लाते, समझना मेरी बात, एक बेड है एक ही कमरा है उसमें मैक्सिमम 2 बंदे पहुंच सकते, अगर आपने इसमें एक बंदे को बिठा दिया, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपको इस कमरे का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लाना है, पानी का बिल भी लाना है, अच्छा बाकी विश्नेर तुझे थाउन, ठीक है कि ना, मगर अगर वंश से था होगा इतने ही खर्चे पे इन दो का भी निकलेगा और प्रॉफिट ज्यादा आएगा, समझ रहे हो। इससे तो जो ये एक है नुकसान इस पटी तो बेहतर क्या है इन्हें थाउन एट, तो कभी कभी वैकेंट ऑर्बिटल ही ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू, जैसे आपने अभी देखा पिछले में हमने देखा सिल्वर में 0 था और यहाँ पे 10 आ गए, उस अदरवाइज था 9 और 1, हाँ सो पार्शियली फिल्ड, मगर खर्च उस दोनों कमरों का सा मंजू एक इस कमरे में डी में ऑलरेडी खर्चा चल रहा है, हम बेहतर उस एक को भी वहीं बिठाते हैं और एस में हम कोई डालते हैं जब कुछ हम 4D सीरीज, समझ रहे हो। तो ओवरऑल हम यही देखते हैं कि डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स, कुछ कुछ वैकेंट पार्शियली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड, अलोंग विद दिस the stabilities can be explained, yeah, the abnormal configurations can be explained on the basis of abnormal configurations can be explained on the basis of kya configurations can be explained on the basis of number first इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कैसे रिपल्शंस हो रहे, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। दूसरा शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को शील्ड किया गया बाय सेवरल अदर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय सेवरल अदर इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा attraction between nucleus and electrons,
अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्लास्ट एक्सचेंज एनर्जी फोर्सेस एंड लास्ट क्या एक्सचेंज एनर्जी फोर्सेस कुछ बेटा कुछ ऐसे रिपल्शन आ जाते हैं कभी जिनकी वजह से सपोज डी ऑर्बिटल छू ना आप मुझको कुछ छू डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर छू ना डी एक्स जेड वाई जो ये पांच है ये यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइव ऑन द बेस ऑफ एनर्जी है ना ये सब के सब सेम है अच्छा लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी एक लाइगंड के आने की वजह से समझना मेरी बात क्या होता है यमन छुपान में स्प्लिटिंग का सा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्या हो जाता है कुछ ऑर्बिटल्स ज्यादा एनर्जी पा लेते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है तो अभी तक जो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी वन छिंग का सा अब समझना मेरी बात कभी कभी क्या होता है नीचे दो ऑर्बिटल्स है और ऊपर चले गए तीन ठीक है अब इलेक्ट्रॉन को जब आना है वो कैसे बैठता है शाबाश इधर एक फिर इधर एक है ना अब जब तीसरे को आना है तीसरे इलेक्ट्रॉन उसको पास दो चांसेस है ना या तो वो बेटा ऊपर आएगा या वो नीचे की पेयरिंग पहले करेगा है ना वन समझ होती मेन का वन सॉल्यूशन स्टेबिलिटी का एच है ना सो का एच सो जब से पूछो इस पूछो अगर इलेक्ट्रॉन इधर ब्यूट आज खतर से मिस या तो रिपल्शन ओवरकम करो छस ना यानी कि इसके पास एक एनर्जी होनी चाहिए दैट विल बी कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी वन मोर सेकंड ना अब अगर इलेक्ट्रॉन बोला नहीं बना है कि ना पेयर करे सुषमा बेहतर क्या सुन ठीक है तो यहां पर जो ये एनर्जी है प्रमोशनल एनर्जी है ये एनर्जी जो है प्रमोशनल एनर्जी ये डिटरमाइन करेगी अगर ये ज्यादा होगी समझना मेरी बात ये गैप बहुत तो प्रमोशनल एनर्जी कितनी चाहिए बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन चुनान या बेहतर पेयर ही करो मैं पेयरिंग खतर लगा एनर्जी समझ या कभी कभी आप देखोगे पेयरिंग के लिए रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं एनर्जी से वायर ज्यादा बका रही है पर वो इलेक्ट्रॉन है मशवरा छोड़ मशवर छू ये गैप से कम बेहतर छू मगर ये गैप कवर तुम खस के हो सो ये वाली कंफर्मेशन भी आ रही है और दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी ठीक है सो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि कभी ये कंफ्यूगरेशन आएगी कभी वैसी कंफ्यूगरेशन आएगी इट डिपेंड्स कि पेयरिंग एनर्जी असर ज्यादा की प्रमोशन एनर्जी असर या स्प्लिटिंग एनर्जी असर क्लियर है कि नहीं इंशाल्लाह ये बात ना भी थोड़ा आगे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो पढ़ा है आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी है तो फिर तो मैं आसानी होगी कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वंस यू एक्सप्लेन दैट कम के होपफुली ये समझ आ गया अब ये ओवरऑल कांसेप्ट तो ओवरऑल अब हमारे सिलेबस में सिर्फ 3D सीरीज के ट्रेंड्स हैं वेरियस प्रॉपर्टीज का हेडिंग टू द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज Trends and properties of first row of transitional elements. Trends and properties of first row of transitional elements. Number para trend jo hai, that is atomic radius. Usse jagah. अगर अब क्यों अब हमें सिर्फ 3D सीरीज की बात करनी है ठीक है 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं शाबाश स्कैंडियम याद कर तो बन मानिशा हाँ टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर दिस है ना अगर इसे 3D सीरीज सनक या ओवरऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के बीच में वो आते हैं लेफ्ट साइड से एस ब्लॉक एलिमेंट्स राइट साइड से पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स मानन अख चीज एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है आज तक 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द साइज ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एक उसी शेल को खींच रहा है अब ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियस क्योंकि विद एवरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन इज एडेड इन द न्यूक्लियस उसकी वजह से शाबाश न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है एंड शेल नंबर तो नहीं बढ़ रहा चूर में शेल चोर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लमान पांच प्रोटॉन इफेक्टिवली साइज क्या श्रिंक देयरफॉर सो मानन तेल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन जनरल आसन उनका साइज जो होगा शाबाश इट विल बी मोर देन पी होगा कि नहीं पी से बड़ा होगा लेकिन इट विल बी लेस देन एस
होगा कि नहीं, या जनरल ट्रेंड एस से होंगे छोटे, क्यों ये बीच में आते हैं ना, छोटे ये है बड़े, सबसे बड़े ये है लार्ज, ये क्या है स्मॉल, तीन क्या है एक्सट्रीमली स्मॉल, समझ गए ना। सो ओवरऑल हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनका साइज इट विल बी बिटवीन दैट ऑफ एस एंड पी, एस से होगा कम लेकिन पी से होगा ज्यादा। लेकिन जब हम विद इन द 3D सीरीज जाएंगे तो क्या कुछ दर्शन होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक साइज डिक्रीज होना चाहिए था, है ना, अकल तीस ती होना ती गच दर्शन, मगर हमने देखा एक अजीब ही ट्रेंड, हमने देखा कि क्रोमियम तक बेटा एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्रोमियम के बाद कॉपर के खत्म होने तक एक और ट्रेंड फॉलो हो रहा है, और फाइनली जब जिंक पे बात आती है एक अलग ही रिवर्सल आ जाता है। छठी क्या हो चुका हमने देखा कि जब आप स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाते हो द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस, एंड द रीजन इज सेम, यस वी आर सीइंग दैट। अगर तो कॉन्फिगरेशन थी व्हेन वी शो जो हमने अभी 3D सीरीज के लिए लिखी, आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से आप देखोगे कि प्रोटॉन भी बढ़ेगा, और प्रोटॉन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये साइज जो है क्या हो जाएगा, इशू बराबर स्वीट ट्रेंड इज जनरल, बिकॉज व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनीवन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, सुना ठीक है कितना वो जिसे पता चले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बेशक पता क्रोमियम स्थान चुप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डीएस में, क्रोमियम जो है 3D5 4S1 सब कुछ अनपेयर्ड है, 3D के 5 भी अनपेयर्ड है, या मैं एक और बात लिखता हूं यहां जल्दी जल्दी लग गई, किस तरह से स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, अब कॉन्फिगरेशन के आधार से देखें तो कहां कहां पे गड़बड़ है, क्रोमियम पे बेशक कॉपर स्पेश, ना यहां पर एक है यहां पे पांच है यहां पे एक है यहां पे दस है, बाकी ना सर इसके 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 ने किया 1 2 3 फिर मैंगनीज पे क्या आता है वापस, कल देखा था ना 5 2 5 2 फिर 6 2 7 2 8 2 बस बस, और फिर लास्ट पे है 10 2 है ना, कौन समझते हो लाइक कॉन्फिगरेशन इशू, स्कैंडियम से लेकर कॉपर क्रोमियम तक आप देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, चस तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम मैग्नीज से लेकर कॉपर तक चले गए हमने देखा जो साइज है डिक्रीज बनता सन ये करीब करीब कॉन्स्टेंट ही रहता है, क्या रहता है उसकी वजह क्या है, देख बेटा आप देखो क्रोमियम के बाद मैंगनीज से पेयरिंग स्टार्ट होना हो जाती है, पेयर्ड पेयर्ड होता है कि पेयरिंग, 6 को ना पेयरिंग, 7 दिखे पेयरिंग, 8 दिखे पेयरिंग, 10 दिखे पेयरिंग, हमने देखा मैंगनीज से लेकर कॉपर तक पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग का मतलब रिपल्शन है, रिपल्शन का मतलब दूर हो जाओ है, therefore, जितनी अट्रैक्शन जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा था उतना ही ज्यादा शाबाश स्क्रीन इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी कि शील्डिंग यानी कि उतना ही रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहे हैं, तो जितना आपने अट्रैक्शन बढ़ा दिया उतना ही आपको रिपल्शन को कम कर रहे, एंड देयरफॉर साइज नो शुड डिक्रीज का सन, समझ गए कि नहीं, लेकिन तेल क्या मस्त छु जिंकस मस कहां क्या बने जिंकस मस क्या है शाबाश, जिंक में आप देखो सब कुछ प्योर है 10 to 2 रिपल्शन क्यों आसान बहुत ज्यादा, जब रिपल्शन बहुत ज्यादा होते हैं न्यूक्लियर चार्ज यू शुड हैव तूत अपन पन कमाल है इफेक्टिवली साइज जो है वो क्या हो जाएगा, यस जिंक पे आप देखो समझ गए या ओवरऑल थोड़ा समझ, सो पहले वाले हिस्से में मैंने क्या कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दूसरे वाले हिस्से में क्या रीजन है शाबाश, जितना अट्रैक्शन बढ़ रहा था उतना ही रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एंड जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं हम कहेंगे कि अट्रैक्शन इक्वल्स रिपल्शन एंड देयरफॉर द साइज रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन तीसरे वाले केस में बिकॉज ऑफ पेयरिंग
The repulsive forces are huge and therefore the size increases towards the end. Clear? ठीक है. So you go along the period. 3D series को हमने across बात की, ठीक. लेकिन 3D के नीचे 4D series है और 4D के नीचे 5D series. तो अगर हम ऐसे देखें, 3D series है इधर, 4D series है इधर, 5D series है इधर. While going down the group, what should happen to the size? Increase. It should increase. H has कितना? Because continuously एक नया shell add हो रहा है, ठीक है. मगर यहाँ पर भी गड़बड़ है. 3D series और 4D series में जो हमने देखा, yes. While going down the group, the size increase. मगर जब 4D से 5D तक भी गए हम, ये दूध दा बजे कोई अंदाजा नहीं मुझे कितना देर सड़क में लंबी होगी रात में करो चाहो एक्सियल इलॉन्गेशन एल इमेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर टाइम्स एल ऑब्जेक्ट मतलब अभी तक कहां थे आप घर से कितने बजे निकले मुझे समझ नहीं आया कभी मैं मतलब एक कैब और ऑर्डर की थी बुक की थी फिर वो कैंसिल की मैं घर से निकली मैं सोचा अब लेट ही होगी मतलब सुबह का टाइम है उतना भी सुबह नहीं है मिलेगी ऑटो बस ऑटो वाले दो थे उन्होंने बोला हम अभी नहीं जाएंगे बस कोई भी नहीं अच्छा मतलब थोड़े खा रहे मशवर करा वन ईयर का सीनियर था ना सीनियर का वो दो थे ना टोटल बाकी वो ऑटो खाली थे वहाँ कोई था ही नहीं और उसके बाद सोमो आया एक मम्मा ने बोला आप चलो इसी में दरगाह पहुंचोगे वहां से कुछ मिलेगा आपको पता है अगर खाने चले होते ना आपको एक ही घंटा यहाँ तक लगता मैं मम्मा को वही बोलती मगर सिद्ध बच छुपा को सिद्ध बच चिकन दरगाह अब दरगाह से कुछ मिल गया फिर फाइनली हाँ मैं दरगाह सोमो में चली ना हार्डली 10 सेकेंड होंगे मुझे उसमें इतनी फुल स्पीड में सो रहा बस आई किस्मत सचिन आप सही कौन हाँ कपर क्या दिलीप से करमत साइज अच्छा 3D से 4D साइज बढ़ रहा है लेकिन 4D और 5D जो है इनका साइज नियरली क्या रह रहा है सेम हालांकि शेल नंबर जो इंक्रीज कर सकता है समझ समझ नहीं कर मगर उसके बावजूद भी साइज क्या रह रहा है कोई मुझे बता सकता है क्यों उससे क्या होगा वो शील्डिंग दिखा देगा जब शील्डिंग देगा तो साइज बढ़ना चाहिए डिफ्यूजन डिफ्यूजन एनीथिंग एल्स बॉडी का ट्रैक्शन बॉडी का ट्रैक्शन उससे जिगरा मतलब उससे कॉन्सेप्ट क्या है बता थोड़ा सा ये पढ़ना इसका रीजन मैं फिर एंड पे दूंगा ठीक है अगर आपने देखा होगा यस 3D टू 4D शेल ऐड हो रहा है अच्छा लेकिन आपको पता है जब मैंने 5D सीरीज की बात की ना एज पर स्टार्ट 57 स्टेट और अचानक 72 तो समझ 57 से लेकर 71 तक जितने एलिमेंट्स ऐड हो गए उनके प्रोटॉन्स भी तो ऐड हो गए उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया ना वो शेल्स को क्या बोलेंगे अंदर आओ लेकिन व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप पूछो ये बट यू आर टाउन क्या गए हो साइज इंक्रीज गए हो ना मगर 5Ds बस कम चमा दस सामने ज्यादा प्रोटॉन एक ही प्रोटॉन कि माना नहीं साइज वापस करित समझ रहे हो यानी कि जितना डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया उतना ही वापस कंट्रैक्ट किया किनने जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बीच में हमने पाले थे कितना लेंथ होना एक्स पर मगर 57 से डायरेक्ट 72 72 में कितने ज्यादा प्रोटॉन्स है अच्छा किनना देयरफॉर यही न्यूक्लियस जिसमें हमने साइज इंक्रीज किया बाय इंक्रीजिंग द शेल यही न्यूक्लियस अब इतने प्रोटॉन्स कैरी कर रहा है कि जितना साइज इंक्रीज हो गया डाउन द ग्रुप उतना ही ये वापस खींचता है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या सुना एंड इंशाल्लाह लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन परवेज तो अलग बट दैट मींस तो उनके से तो याद रही हो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप 3D से 4D इट इंक्रीजेस लेकिन 4D और 5D कंपेरेबल साइज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हां सुनो तो थोड़ा सा ध्यान में लाया कि मैंने कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता क्या ठीक है कि नहीं अदरवाइज वी हैव टू स्टडी इट सेपरेटली एंड वी हैव टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन
इधर बट एक्टिनॉइड कर रहा है ठीक है, मतलब ओवरऑल थे जो दिमाग इस बुद्धि क्या जज कर सकते, समझ गया ना। सो साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस, लेकिन व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन रिमेंस। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एटॉमिक द फर्स्ट स्ट्रेंथ। कोई भी जल्दी कोई प्रॉब्लम।